गरियाबंद के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक प्रधान पाठक पर एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गरियाबंद जिले के राजिम एनीकट से एक युवक की लाश बरामद हुई है। राजिम पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से लाश को एनीकट से बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान राजिम के वार्ड 3 निवासी जितेंद्र गुप्ता के रूप में हुई है। राजधानी रायपुर के थोक सब्जी मंडी स्थित दुकान का शटर तोड़कर 3,50,000 रुपए की नगद चोरी के मामले में पुलिस ने संजय नगर टिकरा पारा निवासी सातिर चोर मोहम्मद अकबर को गिरफ्तार कर आरोपी के पास से 1,34,000 रुपए नगद जब्त किया है। जगदलपुर शहर के कालीपुर क्षेत्र में घर के अंदर घुसकर लड़ाई झगड़ा हुआ गंदी गंदी गाली गलौज एवं मारपीट कर आंखों में चोट पहुंचाने वाले दो फरार आरोपियों को पकड़ने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। जगदलपुर के बस्तर क्षेत्र में मास्टरमाइंड साकेत नुरेटी और भास्कर नुरेटी के साथ मिलकर बुकिंग तौर बस ब्लास्ट पर 5 जवानों की हत्या करते हुए 22 जवानों को गंभीर रूप से घायल करने वाले सक्रिय और हार्डकोर नक्सली पंडरू पदामी को जगदलपुर की बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कांकेर में देर रात हुए सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे धमतरी के मिशनरी अस्पताल रेफर किया गया है। तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार थे और शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक मोड़ पर पेड़ से जा टकराई। कोरबा जिले से चावल भरे ट्रक में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक कटघोरा थाना क्षेत्र के FCI गोदाम के पास की घटना है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट से होनी बताई जा रही है। इस आगजनी में चावल जलकर खाक हो गया। जसपुर जिले के मनोरा ब्लॉक के एक ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव की मिलीभगत से पंचायत की राशि के लाखों रुपए के गबन करने के मामले में मनोरा पुलिस ने सरपंच को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत मनवा ग्राम पंचायत सकुलकारी में आबकारी विभाग की टीम ने पचपेड़ी क्षेत्र के ग्राम मनवा एवं सकुलकारी गांव में दबिश देकर सिनाथ नदी के किनारे 80 लीटर अवैध महुआ शराब को जब्त किया है। पत्नी के साथ दूसरे शख्स को देखने के बाद पति अपना आपा खो बैठा और शख्स की हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने शव को भी जला दिया, लेकिन चालाकी काम नहीं आई और मरवाही पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जसपुर जिले की शासकीय मदिरा दुकान कोतपा में 6 अज्ञात सशस्त्र बदमाशों द्वारा दुकान बंद होने पर दुकान के स्टाफ को गार्ड रूम में जाकर वहां मौजूद कर्मचारी एवं ग्राहकों को कट्टा दिखाकर शराब दुकान से नगद लूटकर फरार होने वाले आरोपी में से एक को बागबहरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर में रविवार को दो युवकों के शव फांसी पर लटके हुए मिले। एक युवक ने अपने घर में पंखे से फंदा लगा लिया और दूसरे का शव फंदे के सहारे पलंग पर मिला है। दोनों ही युवकों के परिजनों का कहना है कि वो बेरोजगारी के चलते मानसिक रूप से परेशान थे। उतई पाटन मार्ग पर रविवार शाम को ग्राम गोड़ पेंड्री बिजली सब स्टेशन के पास सवारी बस को सामने से आ रहे हाईवा ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 7 पुरुष एवं एक महिला को चोटें आई हैं। रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र की पुलिस ने दो लुटेरों को पकड़ा है। 21 जनवरी को इन बदमाशों ने एक बुजुर्ग को लूटा था। CCTV कैमरे की जांच में पुलिस ने इन बदमाशों को पहचाना और गिरफ्तार कर लिया है।
कवर्धा जिले की बोडला तहसील मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर तल्ले गांव दलदली मुख्य मार्ग पर पचराही के पास मोड़ पर रविवार को धान से भरा ट्रक सड़क किनारे पुलिया के नीचे पलट गया, जिससे ट्रक चालक बाल बाल बच गया। रविवार को दुर्ग गुंडरदेही मुख्य मार्ग पर खप्परवाड़ा व अंडा के बीच किलोमीटर संकेतक बोर्ड से टकराने के बाद कार रोड किनारे अनियंत्रित हो गई, जिसमें सवार धमदा क्षेत्र के रहने वाले 3 युवक घायल हो गए हैं। बेमेतरा जिले की बिरला पुलिस ने लेंजवार स्थित किराना दुकान में चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों से नकद 2300 रुपए बरामद किए गए हैं। डोंगरगढ़ में नाकापारा स्थित गुप्ता सेल्स एवं टाइल्स के व्यापारी के दुकान और गोदाम में जीएसटी विभाग रायपुर की राज्य स्तरीय 7 सदस्यीय टीम ने दबिश दी, जिसमें टीम के द्वारा लगातार फर्म के संचालक, लेखापाल और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की गई। तिलदा पुलिस ने एक अपचारी बालक के साथ उसके बड़े भाई और उसके साथी को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की एक बाइक और 20,000 रुपए बरामद किए हैं। पति और उसकी प्रेमिका की प्रताड़ना से तंग आकर 20 जनवरी को सुनीता साहू द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने के मामले में तिलदा पुलिस ने उसके पति और शादीशुदा प्रेमिका को रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुपेला के एक कपड़ा दुकान में खरीदारी करने के लिए एक व्यक्ति के जेब से मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरी के मोबाइल को खुद ही चला रहा था। मोबाइल के टावर लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। रविवार को दुर्ग जिले में पहली बार संक्रमण दर 50% के पार चली गई, क्योंकि 1717 सैंपलों की जांच में आधे से ज्यादा 873 संक्रमित मिले। इस प्रकार संक्रमण दर 50.8 हो गई है। रविवार को मिले नए मरीज में 2 डॉक्टर और 13 सीआरपी जवान भी शामिल हैं। नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर बड़े ऑपरेशन की तैयारी में हैं। इससे पहले रविवार को सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह, छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा और दोनों ही ओर से सीनियर अफसरों की बैठक हुई। पावर हाउस के जवाहर मार्केट स्थित सोना और चांदी की पॉलिश करने वाली दुकान में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरी का 60% माल जब्त भी कर लिया। आरोपियों ने देर रात दुकान के शटर का ताला तोड़कर वहां सेंधमारी की थी। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में पदस्थ एमबीबीएस डॉक्टर रॉबिन्सन खुटे ने रहस्यमय परिस्थितियों में अपने घर में खुदकुशी कर ली है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।